महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उल्हासनगर कॅम्प नंबर 5 मधील व्यापाऱ्यांची सर्वात मोठी संघटना म्हणून पूज्य शॉपकीपर असोसिएशन संघटना होती. परंतु या संघटनेत आता उभी फूट पडली आहे, कारण व्यापाऱ्यांच्या समस्यांचं कोणी ऐकत नसल्याने व्यापाऱ्यांनी स्वतः पुढे येत नवीन संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज ओटी सेक्शन येथे झालेल्या व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत बहुमताने समाजसेवक महेश मूलचंदानी यांची निवड करण्यात आली आहे. उल्हासनगर कॅम्प नंबर 5 मधील सर्वात मोठी व्यापाऱ्यांची संघटना होती, परंतु व्यापाऱ्यांच्या समस्यावर अध्यक्ष आणि पदाधिकारी मदतीला येत नव्हते आणि व्यापाऱ्यांवर दिवसेंदिवस हल्ले होताना दिसत आहे. व्यापारी असुरक्षित असल्याने व्यापाऱ्यांनीच आज पूज्य शॉपकीपर असोसिएशनला रामराम ठोकत नवीन व्यापाऱ्यांची संघटना स्थापन केली आहे. या संघटनेचे अध्यक्ष हे महेश मूलचंदानी असणार आहे. ही संघटना नॉन पॉलिटिकल असून व्यापाऱ्यांचे रक्षण करणे फक्त एवढाच उद्देश असणार आहे. अजून कोणी व्यापाऱ्यांना या संघटनेत सहभागी व्हायचं असेल तर महेश मूलचंदानी यांच्याशी संपर्क साधावा असं आवाहन केलं आहे. यापुढे व्यापाऱ्यांवर कोणी हल्ला करू शकत नाही, त्यांच्या पाठीशी महेश मूलचंदानी आहे असा इशारा दिला आहे. दोस्तों, मैं उल्हासनगर 5 ओटी सेक्शन में ही पैदा हुआ हूँ और मेरी परवरिश ओटी में ही हुई है, तो यहाँ के व्यापारी से लेके यहाँ के रहवासी मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं. और बीच में 15 साल में मठ मंदिर पर शिफ्ट हुआ था, उसके बाद मैं दोबारा वापस ओटी में आया कि मेरे पापा ने कहा कि हमें ओटी में वापस जाना है. आज भी ओटी की हर गली, ओटी का हर दुकान, हर व्यापारी, हर परिवार को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ. उनके रिलेशन मेरे परिवार से सबके जुड़े हुए हैं. ओटी सेक्शन में आए दिन मैं देखता हूँ कि व्यापारी के साथ कहीं ना कहीं कोई ग्राहक, कोई पुलिस वाला, कोई महानगर पालिका का अधिकारी, ऐसी काफ़ी सारी बातें मैं देखता रहता हूँ. मुझे उस समय, मैं तो कहीं भी रुक भी जाता हूँ कि कहीं मेरे किसी दोस्त को या सिंधी व्यापारी को कोई मारे नहीं, उसके लिए कम से कम मैं बीच में जाता हूँ, बीच बचाव करता हूँ. ये मेरी सोशल एक नीड है जिस पर मैं काम करता हूँ. तो हाल ही में कई ऐसी बातें हुई जो उल्हासनगर 5 की जो शॉपकीपर एसोसिएशन है वो ओटी के दुकानों पर ध्यान देती नहीं. बाबी कंत्री बार से लेकर ओटी तक वो व्यापारी केवल वोट मांगने के लिए आते हैं, और व्यापारी बेचारे जो बोल नहीं पाते क्योंकि उनको मालूम है अगर मैं बोलूँगा तो मेरी सुनवाई नहीं होगी. तो ये एक नॉन पॉलिटिकल मंच है. यहाँ के व्यापारियों ने मेरे से बात की, मैंने उनसे बात की, मैं उनके दुकानों पे गया. उन्होंने कहा कि ऐसा संगठन बनना चाहिए जो व्यापारियों की रक्षा कर सके, और सब लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया. मैंने एक छोटे समय के अंदर केवल 3 घंटे में उनको मैसेज दिया और 3 घंटे में वहाँ के सारे व्यापारी यहाँ पर आके पहुँचे, और सभी लोगों ने यहाँ पर बैठ के एक जो उनके मन में जो सपना था कि यहाँ की पंचायत अलग बननी चाहिए, और वो हुआ और उन्होंने इजहार किया और मेरे मन से भी वही बात निकली. तो आज एक पंचायत का गठन हुआ है जहाँ पर व्यापारियों की हितों की रक्षा की जाएगी, और सभी लोगों ने यहाँ पर सर्वसम्मति से मुझे जवाबदारी सौंपी. मैंने कहा कि यहाँ के व्यापारी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मुझे साथ चाहिए, इन्होंने मुझे साथ भी दिया. तो मैं इतना वादा करता हूँ, जितना विश्वास इन लोगों ने मुझ पर दिखाया है, मैं अपने विश्वास पर हमेशा कायम रहूँगा और इनके विश्वास को कभी मैं तोड़ूंगा नहीं. व्यापारी की हितों की रक्षा मेरा पहला लक्ष्य होगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारी इस पंचायत में और भी व्यापारी शामिल होना चाहते हैं, मगर पहला हम उनको अपना अच्छा काम करके बताएंगे, उनकी लकीर से हम अपनी लकीर बड़ी बना के बताएंगे, तब मालूम पड़ेगा तो पंचायत का असली काम क्या होता है, व्यापारियों की हितों की रक्षा कैसे की जाती है. केवल कुर्सी लेके बैठ के व्यापारियों का इस्तेमाल करना केवल नेता का काम है. ये नॉन पॉलिटिकल मंच है. चाहे वो आदमी हमारे जो सदस्य बनने का चुनाव कहां भी लड़ता है, क्या करता है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं. हम व्यापारियों के साथ हैं, रहेंगे उनके साथ जब भी नाइंसाफी होगी. महेश मूलचंदानी, मेरी पूरी टीम और व्यापारियों की पूरी टीम मिलकर उनका मुकाबला करेंगी. जय हिंद, जय झूलेलाल. ये व्यापारी सुरक्षा संगठन बनेगा, इसका नाम रहेगा व्यापारी सुरक्षा संगठन, जो 5 नंबर बाबी कंत्री बार से लेके ओटी तक ये व्यापारी है. करीबन 250 से 300 दुकानें हैं. आज उसमें से करीबन 100 लोग यहाँ पर आए थे.
सर्वसम्मति से दुकान अपना छोड़ के आए हैं, वर्किंग पीरियड में आए हैं, तो सोचो कितने मन में लोगों की जो भावना है इसे संगठन बनने में इच्छुक है। क्योंकि व्यापारी आज के तारीख में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, उनको कहीं ना कहीं खौफ लग रहा है कि कभी मेरे साथ कुछ गलत ना हो। उस डर को भगाने के लिए आज हमने यूनिटी का गठन किया है और इस यूनिटी को हम हमेशा कायम रखेंगे, ये आपसे मेरा वादा है। सपोर्ट हर दम हर हित महेश भाऊ के साथ है। एंड जैसे कि महेश भाऊ, हम लोग तो 5 नंबर ओटी में एक्चुअली में कोई था नहीं पहले, आज हमारे सिंधी समाज के लिए आगे महेश भाऊ आए हैं तो हमको उस बात की बहुत खुशी है। एंड हम उनको सपोर्ट करेंगे, वो और हमको सपोर्ट करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर न्यू संगठन, दैट्स इट। अपना लेके मैंने दुकान चालू किया था, वह सपना मुझे हकीकत में होने को दिख रहा है, पर वो सपना कहाँ तक हकीकत है वो इनके हाथ में है, मिस्टर बेस्टर। और ओपनिंग हर चीज़ की अच्छी होती है, एंड को सलाम है। मैं चाहता हूँ एंड भी अच्छी हो। चलती गाड़ी में दो दो उतरते जाते हैं, वीटी में देखो तो मैं ही खड़ा रहता हूँ, यानी कि आप सब लोग की बात है। सच्चाई से चालू किए, बाकी लाल से ही बैठा है। हम किसी की नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से सेफ्टी की हर चीज़ के लिए और अच्छा व्यापार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ व्यापार बढ़े और डिप्रेशन में आदमी काम न करे, हर चीज़ का सॉल्यूशन महेश भाई के हाथ में, उनके ऊपर लाल सिंह का हाथ है, बाकी इनके हाथ में। और कौन प्रेसिडेंट रहेगी, क्या किस प्रकार की आपकी है पूरी कमेटी रहेगी? ये संगठन हमने व्यापारी के हित में बनाया है, जो व्यापारी के ऊपर अन्याय होता है, जैसा गुंडागर्दी हुई, दुकान पे वारदात हुई या कुछ भी चोरी हुई, उसके लिए हमने महेश भाई को प्रेसिडेंट बनाया है इस संगठन का। इसके लिए महेश भाई को हमारे सिंधी व्यापारी लोगों का सहयोग है। हाँ, आज हम बहुत खुश है, इतने साल में कोई इधर थे रहे ओटी में, तो आज हम बहुत खुश है महेश भाऊ आगे आए और हम लोग उनके साथ जरूर देंगे, हम उसका साथ। आज यहाँ पर उल्लासनगर 5 में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था व्यापारियों की तरफ से, इसमें हमारा मेन मुद्दा है कि अपने को यूनिटी बनाना है और इसके आगे महेश भाई को हमने पूरी जवाबदारी दी है और महेश भाई हमारे साथ में है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बहुत सालों में इसके लिए कोई भी आगे नहीं आए, हम महेश भाई के शुभ चिंतक हैं सब लोग कि ये आगे आकर हमारी यूनिटी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। असार सचिन में सालन का कभी भी विश्वास न वेंदो, पर जैसा कि एक विश्वास वालों जवान मिलो आ जय जय कर महेश भाई मूलचंदाणी, जय जय कर ऐसा ये उत्साह जागो आ तो असि सिंधी की एकता थी सकती है, ऐसा विश्वास बढ़ो आ तो असा फेस कर तकलीफू फेस कर महेश भाई हाजिर आजिर 24 कलाक वो असा गड रहे तो असा मन की शांति है। कोई सिंधी नेता मिलो जैसे कर आश्वास मन की शांति है तो असं भरोसो करे यही अस तकलीफू मिटाई तो। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्लासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।